जयपुर राजस्थान की राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद को प्रत्याशी बनाने जाने की सुगबुगाहट के साथ ही राजस्थान इकाई में उनका विरोध शुरू हो गया। विरोध करने वाले नेताओं ने राज्य के प्रभारी अजय माकन से साफ कहा है कि राज्य के ही किसी नेता को यहां से राज्यसभा भेजा जाए। इन नेताओं का तर्क है कि राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधि के लिए होती है, न कि बाहरी व्यक्ति के लिए। सूत्रों के मुताबिक उदयपुर नवसंकल्प शिविर में ही सोनिया गांधी ने आज़ाद को राज्यसभा भेजने के लिए अशोक गहलोत से चर्चा की। गुलाम नबी आज़ाद का विरोध करने वाले नेता तर्क दे रहे हैं कि हाल तक G23 ग्रुप बनाकर आज़ाद पार्टी के खिलाफ बयान देते रहते, ऐसे में उनको राज्य से राज्यसभा भेज सम्मानित करने से विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाएगा। इन नेताओं का कहना है कि राजस्थान से पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केसी वेणुगोपाल को राज्यसभा भेजा जा चुका है, अब और ज़्यादा बाहरी नेताओं को टिकट नहीं देना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें, राजस्थान से इनको प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है, लेकिन राज्यसभा चुनाव के लिए जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा किए जाने हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 में से 2 नाम राज्य से बाहर हो सकते हैं। इनमें गुलाम नबी आज़ाद, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला, भंवर जितेंद्र सिंह, DGP एम एल लाठर, राजीव शुक्ला और दिनेश खोड़निया समेत कई नामों की चर्चा पार्टी के गलियारों में चल रही हैं। प्रत्याशी घोषित होने के बाद पार्टी में असंतोष देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।